फैमिली, दिस इज अ फ्रेंड मोहित फ्रॉम माइक सेटिंग व्लॉग। तो गाइस आज आपको लेके आ चुका हूँ ऑटोबैस इंपीरियो पे, एंड आज के व्लॉग में आपको कुछ ऐसी गाड़ियाँ दिखाने वाला हूँ जो प्री ऑन कार मार्केट में ओनली वन फॉर सेल है। एक तो हमारे साथ ही खड़ा इतना बड़ा जहाज जो आप ये देख रहे हो गाइस, ये आपकी लेक्सस की LX 500। ये गाड़ी आपको सेकंड में मिलेगी सेल के लिए प्री ऑन कार मार्केट में, ठीक है। पोर्श एंड कूपे पेट्रोल है, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास बेलार में भी हमारे 3 से 4 ऑप्शन है, पेट्रोल डीजल में, X7 है, GLS है, बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपको मिला दी हिमांशु भैया से। हिमांशु भैया कैसे यार आप? बड़े भैया आप बताइए कैसे? एकदम बढ़िया भैया। ये पहले तो जहाज कैसे ढूंढ के लाए यार आप? ये भैया एक लौती कार है जो हमारे पास आ रखी है सेल में। इंडिया में सिर्फ एक ही कार है रीसेल में बस। हाँ भैया मैं बात बोलूँ भैया, ये मैंने गाड़ी कभी देखी नहीं भैया। देखो वो जो इसकी लेक्सस की RX 450 वो तो बहुत कॉमन है, लेकिन ये तो भैया मैंने ना के बराबर। भैया पुरानी शेप आती थी, उसके बाद न्यू शेप आने लगी, ये न्यू शेप है। अगर हम बात करें इस गाड़ी का कंपैरिजन किस गाड़ी से कर सकते हैं? भैया वोग से करते हैं इसका कंपैरिजन। जो इसका सबसे बड़ा कंपैरिटर है वो वोग है। वोग है, ठीक है। तो गाइस ऐसी हम आपको शानदार गाड़ियाँ दिखाने वाले हैं भैया। सबसे पहले एक बार इंस्टाग्राम पेज, आपकी वेबसाइट और एक बार नंबर हो जाए आपके भैया। भैया हमारा जो सेंट्रलाइज नंबर है 8885886 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट हमारी autobest.co.in और इंस्टाग्राम का पेज है हमारा ऑटोबेस्ट इंपीरियो के नाम से। आप सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन अपडेट होती है उस पर। तो गाइस साइड में इधर पेज आ रहा है, गाइस फॉलो करने का ये बेनिफिट मिलता है कि जब भी कोई नई कार इनके स्टॉक में ऐड होती है, इवन वीडियो से भी पहले आपको वहाँ पे अपडेट मिलता है, वहाँ पे उनकी फोटोज, डिटेल एंड इवन प्राइसिंग सब कुछ मेंशन होता है। तो वहाँ पे भी आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो आपको मेरी और भाई की कोलैबोरेशन में रील्स मिलती है देखने को। तो चले गए चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। तो गाइस आज के ब्लॉग की सबसे पहली गाड़ी जो आपको दिखाने वाले हैं, द वन एंड ओनली वन फॉर सेल इन इंडिया गाइस, ये आपकी लेक्सस की LX 500। हिमांशु भैया नो डाउट गाड़ी के, चाहे हम एक्सटीरियर से बात करें, इंटीरियर से बात करें, गाड़ी बहुत शानदार है। यस भैया, भैया 2023 मॉडल है ये, और ऐसी गाड़ी बहुत रेयर मिलती है। जैसे बताया है कि इंडिया में एक ही गाड़ी है रीसेल के लिए, तो ये अवेलेबल है ऑटोबेस्ट पे। मैं अगर जो भी लेगा तो मतलब वन ऑफ अ काइंड पर्सन होगा जो ये गाड़ी लेगा भैया। यस भैया। सो भैया सबसे पहले बात करें 2023 मॉडल है, गाड़ी ड्रिवन कितनी भैया? 11,000 चली हुई है भैया। 11,000 सिंगल ओनर? सिंगल ओनर कार। अब हम बात करेंगे इसका प्राइस कितना होने वाला है भैया? प्राइस की बात करें तो उसके लिए कांटेक्ट कर लेना। कांटेक्ट कर लेना? हाँ जी। अच्छा चलो जी ठीक है, प्राइस के लिए आप कांटेक्ट कर लेना। प्राइस इसका आपको बता दूँ बहुत शानदार देंगे, और लेकिन बता दूँ गाड़ी पूरी फीचर लोडेड है। मैंने आपको सिनेमैटिक्स में गाड़ी दिखा दी है, अंदर से भी आपने गाड़ी देख ली, गाड़ी के लुक भी देख ली, मैसिव लुक में ये गाड़ी आपको मिलेगी। और प्राइस के लिए ऑन कॉल जो सामने नंबर आ रहा है 8885886 से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेक्सस दिखाई, अब आपको हम दिखाएंगे BMW की X5 गैस गाड़ी। ये भी बता दूँ भैया एम स्पोर्ट है, नॉर्मल वर्जन है ये भैया, एम स्पोर्ट पेट्रोल में आता। अच्छा तो ये नॉर्मल एक्स ड्राइव 30D है? नहीं है, ये टॉप एंड मॉडल होता है X-Drive 30D, इससे नीचे स्पोर्ट्स X आता है। ये X-Drive 30D है जिसमें एयरमेटिक सस्पेंशन वगैरह आता है। 2020 मॉडल है ये, और 34,000 चली हुई है, हरियाणा नंबर है, सेकंड ऑनर है। और प्राइस की बात करें तो 77,75,000 में आपको मिल जाएगी X-Drive 30D वेरिएंट। यस ठीक है। तो एडवर्टाइज हमारे पास लवली एक ही अवेलेबल है? हाँ जी भैया X-Drive एक ही है। ठीक है, अब गाइस साथ में अगर आपको X-Drive नहीं चाहिए तो हमारे पास X-7 भी है भैया। नो डाउट अगर मैं इसको GLS से कंपेयर करें ना भैया, मैं पर्सनली बताऊँ तो मतलब ना इसमें जितने फीचर्स हैं ना, आई थिंक हमें GLS में भी देखने को नहीं मिलते हैं, हमारे पास वो भी अवेलेबल है भैया। सबसे अच्छी बात है ना, इसमें कैप्टन सीट्स आती हैं। हाँ वो एक इस गाड़ी की खासियत है कि कैप्टन सीट्स, जो इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा है ना वो ड्राइवर ही चलाता है, वो तो है। कोई रेयर होता है जो खुद चलाता है, बट जो कैप्टन सीट्स का मजा इसमें मिलेगा ना वो किसी गाड़ी में नहीं मिलता भैया। प्रॉपर ये कि GLS इज आल्सो अ गुड प्रोडक्ट, GLS भी अच्छी गाड़ी है, कंफर्ट वगैरह सब कुछ, फीचर्स वगैरह सब कुछ मिलता है, बट एक फील आती है ना भैया कैप्टन सीट्स की। और बेसिकली हम इसमें ये बोल सकते हैं आपको पावर भी मिलती है, कंफर्ट मिलता है, लग्जरी तो है ही प्रॉपर। यस भैया। और बात करेंगे भैया सबसे पहले मॉडल की बात करेंगे, 2021 मॉडल है ये, और 32-35,000 चली हुई है, ठीक है। और प्राइस की बात करें 1,04,75,000 रुपीज़, 1,04,75,000 जो है इसकी आस्किंग है। यस बता दूँ सारी कार की जो प्राइस होते हैं वो ऑन टेबल नेगोशिएबल होते हैं। आप कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप इनके शोरूम विजिट कर सकते हैं। शोरूम जो है इनका लोकेटेड है 177 प्लेयर के सामने जिसमें हम शूट कर रहे हैं, और एक इनका सेकंड शोरूम है वो लोकेटेड है 184 पे, ठीक है ना। अब हम आपको जो नेक्स्ट गाड़ी दिखा रहे हैं ये भी एक वन ऑफ अ काइंड कार है, ये है आपकी पोर्श काइन कूपे 3 लीटर पेट्रोल वेरियंट। यस भैया भैया नो डाउट यार इस गाड़ी की प्रोफाइल भी अच्छी है, और सबसे बढ़िया चीज़ इसमें मुझे लगी सेकंड रूम में स्पेस अच्छा है। ये स्पेस अच्छा है, पावर अच्छी है, इसमें फुली लोडेड है कार, फुली लोडेड, ड्यूअल टोन इंटीरियर, RS स्पाइडर अलॉय व्हील्स, फुली लोडेड जिसे कहते हैं ना ये गाड़ी, ऐसी कोई चीज़ नहीं कि आप मिस करोगे इसमें। वो तो है, ये 2022 मॉडल है और 8,000 चली हुई है, और प्राइस की बात करें 1,44,75,000 रुपीज़, 1,44,75,000 इसकी आस्किंग है। एंड भैया बात करें न्यू कितने की आती है आज के टाइम पे? नई गाड़ी आती है भैया 188 के अराउंड।
188 के अराउंड नई गाड़ी आती है, हम आपको दे रहे हैं 144.75 की, उसके बाद भी ऑन टेबल नेगोशिएबल। प्लस गैस बता दूं कि अगर हम ये भी बात करें, ये भी गाड़ी 3 लीटर पेट्रोल बहुत कम देखने को मिलती है मार्केट में अभी फिलहाल अवेलेबल। पावरफुल कार होती है ना वो, तो है। और नो डाउट जो एक बार इस गाड़ी को चला लेगा ना तो मजा आ जाएगा यार। वीएस की मैंने पोर्श पैनामेरा टर्बो चलाई थी, क्लास है यार वो गाड़ी। इसके ऊपर पोर्श पैनामेरा वो पोर्श काइन टर्बो ही आती है, काइन कूपे टर्बो आती है वो, तो है। तो नो डाउट एक और आपको हमने शानदार गाड़ी दिखाई, अब हम आपको दिखाएंगे एक BMW की फ्लैगशिप सेडान जो कि आपकी BMW की 7 सीरीज। ये गाड़ी अगेन ब्रांड न्यू कंडीशन में है, वाइट कलर की कार है। पहले फ्रंट इसकी प्रोफाइल देखो, एक बार फ्रंट प्रोफाइल देखो इसकी पहले गाड़ी की। गाड़ी की नो डाउट लुक्स भी बहुत अच्छी है, इसमें स्पेस भी बहुत अच्छा मिलता है, कंफर्ट भी पूरा है एंड लग्जरी भी है। BMW की बेसिकली कार ऐसी है कि लाइक शॉफर ड्रिवन भी है एंड अगर लाइक आप पर्सनली भी ड्राइव करना चाहते हो दोनों तरीके से चला सकते हैं। पावरफुल इंजन होते हैं BMW के, जैसे हर किसी को पता है, जो चलाता है उसको पता है BMW क्या चीज़ है। तो कंफर्ट भी 7 सीरीज इसलिए है कि चलाने के साथ साथ आपको कंफर्ट का मज़ा भी मिलता है, जो फीचर्स पीछे टच स्क्रीन वगैरह मिलती हैं तो वो मजा आता है इसमें। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि M Sport वेरिएंट है, M Sport वेरिएंट है। अच्छा अभी ये बात करेंगे क्या डिटेल होगी इस गाड़ी की। 2021 है, 36,000 ड्रिवन है, लोकल नंबर कार है और सिंगल ओनर है सबसे अच्छी बात। और प्राइस की बात करें 99,75 में आपको एक गाड़ी दे देंगे। एंड हम बात करेंगे भैया जितनी भी फिलहाल हम यहाँ पे गाड़ी दिखा दिया, फाइनेंस के बारे में बात करें, पैन इंडिया फाइनेंस, ऑल ओवर इंडिया फाइनेंस, पैन इंडिया फाइनेंस, पैन इंडिया डिलीवरी। ओके ठीक है। अब जिन भाइयों का बजट कम है उनके लिए एक बहुत बड़े ऑप्शन है, एंड आई थिंक ये आपकी पेट्रोल है डीजल है, पेट्रोल है ये, पेट्रोल वेरिएंट। सबसे अच्छी बात है इस गाड़ी की BMW X1 डेली यूसेज के लिए पेट्रोल कार, BS6 इंजन, जिनको आज के टाइम में दिल्ली नंबर कार है सिंगल ओनर। और प्राइस भी 37.75 है, 37.75 इसका प्राइस है जो कि इसकी आस्किंग है। बता दूं इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, वो है आपका ब्लू कलर में, जिसमें आपको मिलता है सर्विस पैकेज भी, डीजल है वो डीजल है आपकी, वो मतलब पेट्रोल भी एंड डीजल दोनों अवेलेबल है। वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग पे कि अगर आपको ज्यादा ड्राइविंग है तो डीजल ले सकते हैं, कम चलती है तो पेट्रोल। बात करें लाइक इसकी एवरेज में ज्यादा कोई फर्क इतना आता भी नहीं दोनों गाड़ियों में। नहीं भैया, डीजल गाड़ी आपकी X1 1819 की एवरेज देती है। कस्टमर फीडबैक है, कस्टमर फीडबैक है। एंड बात करें अगर इसकी पेट्रोल की, तो पेट्रोल आपको एवरेज देगी 10-11 की, 10-11 की एवरेज, वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग कंडीशन। तो गाइस नेक्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं मर्सिडीज बेंज की ई क्लास। इसमें हमारे पास ब्लैक कलर में ओल्ड शेप भी है एंड न्यू शेप भी अवेलेबल है। पहले हम बात करेंगे इसकी क्या डिटेल होगी। किसी को X1 नहीं लेनी है तो वो E200 ले सकता है, ठीक है। ये 2017 E200 है, पेट्रोल कार, ठीक है। और प्राइस की बात करें 37.75 प्राइस है, 17 मॉडल है, 57,000 चली है, सिंगल ऑनर कार। मतलब ये लगा लो दिल्ली में इसको अभी आराम से 2032 तक आप इसको आराम से चला सकते हो इस गाड़ी को आप, यानी पेट्रोल वेरिएंट की गाड़ी है। यस भैया, ठीक है। अब हम आपको दिखाएंगे जैगवार की F-Pace जो कि है आपकी करंट शेप वाली। इसमें हमारे पास पेट्रोल एंड डीजल अगेन, इसमें भी दो ऑप्शन अवेलेबल है भैया, इसमें तीन ऑप्शन अवेलेबल है भैया। अच्छा, तीन हो गया, एक डीजल है, दो पेट्रोल है, ठीक है। ये वाली जो आप देख रहे हैं करंट शेप वाली जैगवार की F-Pace है, वेट क्या डिटेल होगी इस गाड़ी की। वेट 2021 है ये और डीजल है, सिंगल ऑनर कार है, 26,000 चली हुई। और प्राइस की बात करें तो 69.75। ये है हमारा डीजल वेरिएंट। और बात करूँ पेट्रोल वेरिएंट अगर वो भी चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, वो है वो भी 20 मेकिन है 21 रजिस्टर्ड है, वो चली है 24,000 अराउंड और प्राइस है उसका 49.75। मतलब बेसिकली गैस क्या है, दोनों में गाड़ियों में आपको मिल जाता है 20 लाख का डिफरेंस। अगर आपको कन्वर्टेड, अगर आपको करंट शेप वाली चाहिए तो इसलिए आप जा सकते हैं, अगर आपको इतना शेप मैटर नहीं करता था पेट्रोल वेरिएंट के लिए भी आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी डिटेल हुई। अब साथ में हम आपको दिखाएंगे रेंज रोवर वेलार। भैया मैंने लास्ट टाइम भी बोलता, इस बार भी बोलता हूँ यार, कलर इसका बहुत अमेजिंग है भैया, ये कलर। यस, इसमें वेलार में ब्लैक भी है, वाइट भी है, लाइक शैंपेन गोल्ड भी आता है, लेकिन ये कलर भैया आउट ऑफ द लीग है कलर यार। ये डिटेल 2021 है, ये 17,000 चली है और सेकंड ऑनर है। प्राइस की बात करें तो 79,75,000 रुपीज़। एंड ये आपकी डीजल वेरिएंट, डीजल वेरिएंट, ये न्यू शेप है, न्यू शेप। 2021 में एयर मेडिक सस्पेंशन आ गया था, वो अलॉय व्हील्स चेंज हो गए थे, स्टीयरिंग चेंज हो गया था, नॉब चेंज हो गई थी, वो पहले राउंड में पॉप अप आता था, अब वो आ गया। यस, अब लीवर आ गया, अब ये आकर डीजल में। अभी अगर हम बात करें वेलार जैसी गाड़ी एवरेज के मामले में कितनी देती है, एवरेज अगर बात करें, 2 लीटर डीजल इंजन है, एवरेज देती है 11-12 की, 11-12 की दे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। सो इसकी डिटेल हो गई, अभी आपको पेट्रोल वेरिएंट भी दिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट अब हम आपको दिखाएंगे ये गाड़ी। यार ये गाड़ी हमारे पास एक और भी आई थी बहुत शानदार, लेकिन वो आते ही बिक गई, EQS। भाई गाड़ी भैया ऑनेस्टली यार, मतलब उसमें अगर पूरे डैशबोर्ड पे आपको टच स्क्रीन मिलता है यार, मतलब फ्रंट के अगर हम बात करें भैया, भैया इतना अच्छा लेआउट है उसका, स्क्रीन का और डैशबोर्ड का, मजा आया उसका, अमेजिंग है, अमेजिंग थी यार उस गाड़ी की। और कलर भी आई थी ब्लू कलर, सेम कलर ही था, ब्लू कलर था वो। अच्छा चलो हम आते हैं फिलहाल इस टॉपिक पे, ऑडी ई-ट्रॉन भैया। ये ऑडी ई-ट्रॉन है 50 जिसे कहते हैं, 2021 मॉडल है, चंडीगढ़ नंबर है,
प्राइस की बात करें तो 79,75,000 रुपीज़ 79,75,000 में हम आपको देंगे ऑडी की ई-ट्रॉन। अगर हम इसकी बात करते हैं भैया, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें जो फास्ट चार्जर भी मिलता है, अगर इसको लाइक जैसे इसकी बैटरी खत्म हो जाती है, कितने दिन में फास्ट चार्जर से चार्ज हो जाती है गाड़ी? फास्ट चार्जर में 4 से 5 घंटे में हो जाती है। एंड नॉर्मल अगर नॉर्मल चार्जर से करके तो गाड़ी जो चार्जर होता है उसमें 10 से 11 घंटे लगते हैं। ओके, और बता दूं कि गैर एक चार्ज में गाड़ी 300 to 320-325 के अराउंड चल जाती है गाड़ी एक चार्ज में। भैया जो कंपनी कहती है वो 385। चलो मैं ये बोलता हूँ, सारी बातें छोड़ो, यहाँ से दूर है मसूरी अराउंड 290-300 किलोमीटर है। मतलब ये एक चार्ज में मसूरी पहुंच जाओगे और एक चार्ज में ऑफिस मसूरी आ जाओगे। और ये हम बात करें, कोई लग्जरी गाड़ी लेके जाता है भैया पेट्रोल वाली, तो आए लगा लो इतना तो चार्जिंग में पैसे नहीं लगा जितना तो पेट्रोल में पैसा लगा। बहुत सस्ती बैठती है वो, तो आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक का ही है, इलेक्ट्रिक का ही है, क्योंकि आप कैलकुलेशन करो ना, वो तो है भैया। कंपनी वारंटी दे रही है बैटरी की 160,000 किलोमीटर 8 साल की, बैटरी में कोई दिक्कत है कंपनी रिप्लेस करके देती है। मैं एक वैसे एक बात शेयर करूँ भैया, जो लग्जरी कार यूज करता है ना बहुत कम होता है जो इतना लग्जरी कार 8-10 साल रखते हैं। और अगर कोई ऐसी टेस्ट की गाड़ी लेगा तो वो भी 2-4 साल में चेंज। जिनकी कम चलती है भैया वो इलेक्ट्रिक प्रेफर कर रहे हैं आज के टाइम में, ले रहे हैं लोग, ले भी रहे हैं। वो तो है भैया, तो हमने बेची है, दो गाड़ियां बेची हमने खुद। अब गाइस नेक्स्ट गाड़ी अब ये देख लो, ये है आपकी मर्सिडीज बेंज की ई-क्लास। पहले मैंने आपको दिखाई थी ओल्ड शेप, अब ये वाली करंट शेप वाली है। ये है आपकी मर्सिडीज बेंज की ई-क्लास E200 अभी है, 2021 मॉडल है, एक्सक्लूसिव है ये। एक्सक्लूसिव में पीछे टैब आ गया था, सॉफ्ट क्लोज डोर आ गया था, सॉफ्ट क्लोज डोर और बर्मेस्टर ऑडियो जो एक्सप्रेशन होती थी उसमें बर्मेस्टर ऑडियो नहीं आता था, सॉफ्ट क्लोज डोर आता है, टैब नहीं आता था। ठीक है, बात करेंगे इसकी डिटेल। ये 2021 मॉडल है, 14,000 चली है, सिंगल ऑनर है, प्राइस है 72,75,000 में आपको मिल जाएगी। तो गाइस बेसिकली मैंने आपको तो दोनों ऑप्शन दिखाए, दोनों की ब्लैक ब्यूटी है, दोनों आपको बेज कलर के इंटीरियर मिलेंगे। अगर बजट आपका अच्छा है तो इस ऑप्शन के लिए जा सकते हो। भैया वैसे मैंने सुना था कि एट अ टाइम 6 E-क्लास अवेलेबल थी भैया, बिग गई। एक और ई क्लास आने वाली है मेरे पास, HR नंबर 4 बिग गई। हाँ जी भाई, सर्विस हो तो वैसी हो यार वीडियो में आने से पहले गाड़ियाँ निकल जाती है भाई। ये भाई बेसिकली क्या क्लाइंटेज है और क्या भैया, को पता है कि जो भैया गाड़ियाँ मिलती है वो होती ऐसी गाड़ी है कि मतलब आती है निकल जाती है। क्लाइंटेज खुद भी है मार्केट में, ऑटोबेस का नाम है, हम लोगों को कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं पड़ता, कस्टमर सुन के आता है। पहले गाड़ी ले चुका है ना, उनको पता है कि ऑटोबेस की क्वालिटी क्या है, तो उनको बस आती है तो आती बुक हो जाती है। हमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन देनी नहीं पड़ती कस्टमर को, नहीं तो ये लोग एक्सप्लेनेशन ही देनी पड़ जाती है, हम लोग एक्सप्लेनेशन देनी नहीं पड़ती है। तो गाइस दोनों मैंने आपको मर्सिडीज बेंज की गाड़ी दिखा दी, अगर आपका कम बजट है तो ओल्ड शेप के लिए जा सकते हैं, अगर आपको बजट अच्छा है न्यू शेप में अपग्रेड करना है तो इस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। एक और अभी आ रही है, वो आपको डिटेल मिल जाएगी इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके आ चुके मर्सिडीज बेंज की GLC 220 200 भैया। डिटेल ये 2020 है, 40,000 चली है, सिंगल ऑनर है, और प्राइस की बात करें 54,75,000 BMW X4, ये है आपकी 3 लीटर डीजल वेरिएंट। जिसको चलाने का शौक है उसके लिए तो अमेजिंग कार है। वो तो है, जब भी मैं लीटर मैंने भी देखा, जब कभी भैया जो है हमारे BMW के बड़े शौकीन है, जब भी हम बाहर शूट ले जाते तो हमेशा भैया BMW को प्रेफर करते हैं। यस, चलाने भैया पीछे बैठना नहीं है, वो तो है चलानी है खुद, तो उसके लिए तो अमेजिंग। 3 लीटर इंजन भैया एंड होता है, एंड इस जैसा इंजन नहीं है कुछ भी ना, वो तो है भैया। 2 लीटर इंजन होता है मोस्टली कार्स में, 2 लीटर, बट 2 लीटर में भी आते हैं 3 लीटर, मैंने अभी 2 लीटर पेट्रोल भी बेची है, शैडो एडिशन। हाँ जी, बस ये सेम कार है, शैडो एडिशन में इसमें कोई फर्क नहीं होता, उसमें भी हेडजेप डिस्प्ले था, स्क्रीन वगैरह सब कुछ सेम, इंजन का फर्क आ गया। वो पेट्रोल थी और उसमें क्या था कि इंटीरियर भी शैडो एडिशन का मतलब क्या था, गाड़ी पूरी ब्लैक, ग्रिल ब्लैक, अलॉयज ब्लैक, इंटीरियर ब्लैक, सब कुछ ब्लैक था उसमें। हाँ जी हाँ जी, ये बस एम स्पोर्ट है, वो तो है भैया। तो वो थी आपकी शेडो एडिशन, वो सोल्ड आउट हो चुकी है पेट्रोल वेरिएंट की, अभी एट टाइम हमारे अवेलेबल है X4 जो कि डीजल वेरिएंट पे, डीजल वेरिएंट 3 लीटर है। ये 2020 मेक इन है, 21 रजिस्टर्ड है, सिंगल ऑनर है, और 34,000 अराउंड ड्रिवन है। ये सर्विस पैकेज में भी है, 80,000 किलोमीटर का सर्विस पैकेज जो नॉर्मल वाला BSI जिसे कहते हैं। ओके, जो BRI पैकेज होता है आई थिंक उसमें होता है वारंटी, वो BSI प्लस होता है, BRI वारंटी हो जाती है, BSI और BSI प्लस, जो BSI प्लस होता है आई थिंक उसमें वारंटी और वेयर एंड टियर भी कवर होता है, वेयर एंड टियर कवर होता है। ठीक है भैया, प्राइसिंग की बात करेंगे, प्राइस की बात करें 65,75,000 रुपीज़। ओके जी, अब इसका भी आपको बाप दिखाता हूँ। ये तो भैया ये भी हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम इसकी बात करें M4 भी आई थिंक ना के बराबर कहीं अवेलेबल है भैया, ना के बराबर है अवेलेबल, हम ये नहीं कह सकते कि अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है। नहीं देखो मैं एक बार तो यार, मैं भी एट अ टाइम ना एक ऑटोबेस एम्पीरियर दिल्ली के नंबर वन डीलरशिप है, मैं भी बड़ी बड़ी डीलरशिप के साथ काम करता हूँ, मतलब अगर मैं वैसे बात करूँ तो मतलब बहुत बहुत को भी ये रेयर है कि मतलब ये गाड़ी के साथ अवेलेबल है। यस यस, ये तो है। तो ये बात करेंगे 2023 मॉडल है, M4 कॉम्पिटिशन जिसे कहते हैं, पावर की कोई मैच नहीं है, 3 लीटर आता है 3 लीटर इंजन आता है, और 11,000 चली हुई है, सिंगल ऑनर है, प्राइस की बात करें तो 144,75, ये न्यू शेप वाली कार है।
जिसमें स्क्रीन आपकी कर्व आ गई थी, फुली डिजिटल डिस्प्ले आ गया था, वो है ये। वो तो है। और नो डाउट ऊपर जब ये देख रहे हैं पूरा ऐसा कार्बन फाइबर का ही, ऊपर का ये पूरा कार्बन फाइबर इसका आपको मिलेगा ऊपर, जो इसकी रूफ मिलेगी इसमें आपको देखने को। एंड भी कलर ये बेसिकली ऑरेंज है या रेड है? ये ऑरेंज है भैया, है ना? यस, ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर है ब्लैक इंडिया। और सबसे बढ़िया चीज आपने एक देखा होगा सिनेमैटिक में, इवन जो इसकी सीट्स है उसमें पीछे M4 की बैजिंग है, उसमें लाइट है जो कि ब्लिंक करती रहती है, जलती रहती है उसमें लाइट, ठीक है ना। और गाड़ी नो डाउट ये भी एक आउट ऑफ द लीक कार है। वैसे सच बताओ आपने इस गाड़ी को भी चलाया? मेरे टाइम नहीं मिला, यहाँ आगे लग गई थी। अच्छा, चलाया नहीं अभी। हाँ नो डाउट, मैं लेकिन भैया को चलाने के मूड में आई गाड़ी है, उतरेगी तो जरूर चलाएंगे। नो डाउट गाड़ी बहुत शानदार है। अगर कोई बोलते ना कार एंथुसियास्ट है, कुछ आउट ऑफ द लीक कुछ ऐसी गाड़ी देख रहा है, तो ये कैसा ऑप्शन अवेलेबल है जिसके लिए आप अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। और भैया इसमें कुछ आफ्टर मार्केट लोडिंग है या ओनली कंपनी से ही है? बस स्टॉक कार है, स्टॉक कार है, ठीक है। स्टॉक में इतनी पावर है, सब कुछ है भैया, कार्बन फाइबर इंटीरियर वगैरह सब कुछ। कुछ लोड करने की जरूरत नहीं ना, आप अलॉयज देखो ना, अलॉयज में क्या लोडिंग करवाओगे? अलॉयज यार, अलॉयज कसम से भाई, इसमें इसमें लोडिंग क्या करवाओगे बताओ? इतने सुंदर अलॉय है भैया, सही में भैया, नो डाउट गाड़ी बहुत शानदार है यार, ठीक है। अब इसकी डिटेल हो गई, अब आपको दिखाता हूँ पीछे क्या है। तो गाइस नेक्स्ट अब आपकी आ चुकी है BMW की 2 सीरीज, हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, ये आपका नॉर्मल एक बुक हो गया भैया। अच्छा वो बुक हो गई, चलो जी बढ़िया है, शानदार बात है, अच्छी बात है। ये है आपकी BMW की 2 सीरीज, एक और अवेलेबल थी वो फिलहाल बुक हो चुकी है, M4 वेरिएंट भैया, इसकी हम बात करेंगे क्या डिटेल। ये BMW 220i ग्रैंड कूपे है और 21 है, 12-13 हज़ार चली हुई है गाड़ी, ये भी सर्विस पैकेज में है, BSI, ठीक है। और प्राइस की बात करें, लोकल नंबर कार है, सिंगल ऑनर है, प्राइस की बात करें 39,75 की आपको आस्किंग इसकी मिलेगी, ठीक है जी। अब ये देखो साथ में हमारे पास ये है एक चीज बहुत शानदार, रेंज रोवर स्पोर्ट्स दो इसमें अवेलेबल है सेम कलर में, वो तो बुक नहीं है ना? नहीं अभी बुक। अच्छा वो अवेलेबल है ना? हाँ वो अवेलेबल। तो ये हुई है डीजल है पेट्रोल वाली? ये डीजल है, ये डीजल है। और हमारे पास एक और अवेलेबल है दूसरे शोरूम पे है, सेम कलर है, बस वो पेट्रोल वेरियंट है और वो सेम कलर यही है, ठीक है भैया। इसकी हम बात करेंगे क्या डिटेल। ये 2018 है, रेंज रोवर स्पोर्ट SC और डीजल है ये, 3 लीटर इंजन आता था डीजल में, अभी भी आता है। और किलोमीटर्स की बात करें तो 40,000 किलोमीटर ड्रिवन है। हाँ जी। प्राइस है इसका 97,75 में आपको देंगे ये गाड़ी। और बता दूं गाइस जो वो वाली गाड़ी है ना, जो दूसरी है पेट्रोल वाली, वो भैया वो HSE है, टॉप ऑफ द लाइन, वो HSE है, वो HSE है, ये SE है, वो HSE है, वो टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट। अब गाड़ी ये वाली गाड़ी देखो, इसमें भी भैया हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें 2 ऑप्शन अवेलेबल है, एक न्यू शेप में और 2 ओल्ड शेप। नहीं मैंने सुना था कि शायद इसी में हमारे पास तीन है, सॉरी तीन है, तीन है ना? आप सही कह रहे हो भैया, ज्यादा ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट इसमें अवेलेबल है। पहले भैया हम बात करेंगे इसकी क्या डिटेल होगी भैया। ये 2019 है, GLS 350D ग्रैंड एडिशन है ये, और किलोमीटर ड्रिवन है 34,000 अराउंड, 37,000 अराउंड, और प्राइस की बात करें 72,75,000 रुपीज़। ओके, एंड बता दूं गाइस जो ब्लैक और व्हाइट अगर हम बात करें, अगर आपका GLS आपको लेने का बजट कम है तो हमारे पास 2016 मॉडल अवेलेबल है जो कि अराउंड 45-50 लाख के बीच में है, 47-75 के बीच में है। तो अगर 16 मॉडल आप देख रहे हैं GLS, उसके लिए आप जा सकते हैं, वो आपकी व्हाइट कलर में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इसकी डिटेल हो गई। अब साथ में आपको दिखाएंगे करंट शेप वाली GLS जो कि आप ये देख लो 400D, अगेन ये भी गाड़ी, अब ये देख रहे हो दोनों शेप देख लो, अब आपके सामने खड़ी है, ये इससे पहले वाली शेप थी ग्रैंड एडिशन एंड ये करंट वाली शेप है जो टाइम देख रहे हो। इसके बाद भी इसका एक फेशियल अपग्रेड आ चुका है, लेकिन ये गाड़ी अभी भी कॉस्मेटिक चेंजेस है भैया, वो कंपनीज के पास कॉस्मेटिक चेंजेस ही करेंगे ना, वो तो है भैया। बात करेंगे भैया डिटेल, पहले इसकी हम बात करें भैया, 2022 मेक इन, 23 रजिस्टर्ड कार है, 18,000 ड्रिवन है, सिंगल ऑनर है, और सबसे अच्छी बात है ना, जिसकी चलती है ना गाड़ी, उसके लिए हेडेक नहीं है कि यार सर्विस कितने की पड़ेगी। अच्छा, इसमें सर्विस पैकेज है 1 लाख किलोमीटर का विद ब्रेक पैड वाला, मतलब लगा लो 1 लाख किलोमीटर करने की सोच लो तो 1 लाख चलाओ। हाँ। कोई टेंशन, 2027 तक है वो पैकेज की वैलिडिटी, और वारंटी में भी है November 2027 तक। चलो ये मतलब अंडर सर्विस पैकेज भी है और अंडर वारंटी भी है, 2027 तक, तो मतलब ले लो अगर कोई गाड़ी लेके जाता है तो आपके तो यही पे सर्विस पैकेज के पैसे वो अलग से बचे गए। अगर हम बात करें 2027 तक भी सर्विस पैकेज गाड़ी पे ले रखा है, अगर कोई करवाता है कितना खर्चा देता है सर्विस पैकेज में भी? भैया GLS सर्विस पैकेज के बिना अगर खर्चा GLS से भी है, 3 लीटर इंजन है, कंपनी जा रही है, तो 1-1.5 लाख रुपए का तो बिल मान के चलो ना कि सर्विस है भैया। अब इस कंपनी में जाओगे तो सर्विस कॉस्ट है भैया, नॉर्मल सी क्लास वगैरह की 50,000 रुपए की सर्विस होती है, वो तो है भैया। GLS है भैया, तो नो डाउट गाइस देख लो सर्विस पैकेज इसमें आपको साथ में मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट। 2022/23 मॉडल है भैया, ड्रिवन है 18,000। प्राइसिंग की बात करेंगे, प्राइस 1,35,75,000 रुपीस, 1,35,75,000 में आपको गाड़ी देंगे। नई गाड़ी कंपनी ने 158 की कर दी है, 158 की कर दी है, मतलब बेसिकली गाइस ये है, मतलब भैया उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस कॉस्मेटिक चेंजेस है, ग्रिल चेंज है, ग्रिल
किसी को पसंद आ रही है, किसी को स्टीयरिंग चेंज हो गया, और ऑलमोस्ट चलता रहता है वो सब। अगर देख लो बता, आपको पैसे बचाने तो इस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, अवेलेबल है। और आई थिंक ये लीजिए सिंगल है फिलहाल अभी मेरे पास। यस भैया, एक ही गाड़ी है, ठीक है ना। अब आपको दिखाते हैं इसका भी बाप, LC 300। आइए, बात की थी, मैं आपको बाप दिखाने वाला हूँ। ये गाड़ी जो आप देख रहे हो ना, जो मैंने सबसे पहली गाड़ी दिखाई थी लेक्सस की LX 500, ये उसका आप छोटा भाई बोल सकते हो। क्योंकि भैया मैं एक बात बोलूँ, लुका लाइक ऑलमोस्ट गाड़ी डिट्टो सेम उसी की तरह यार। बस ये है कि मतलब वो मैसिव है, ये सब थोड़ा छोटा है। बस ये भैया पता है क्या है, उसमें फीचर्स का तो चलो फर्क तो है ही, भैया चेसिस वगैरह का भी फर्क है। जब आप इसको चलाओगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, और उसके सस्पेंशन और चेसिस में फर्क है। कंपनी बेशक पेरेंटल कंपनी है, हर कोई होती है, लैम्बो की पेरेंटल कंपनी, ऑडी, ऑडी, मतलब बेसिकली लेक्सस जो है एक लग्जरी ब्रांड है, मतलब टोयोटा का। यस, ठीक है। तो भैया फिलहाल हम बात करेंगे, नो डाउट वो तो चले एक आउट ऑफ द लीक कार है, वो तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन एलसी के चाहने वाले भी बहुत है। तो बता दूं हमारे पास एट द टाइम एलसी दो अवेलेबल है, दो अवेलेबल है। ये वाली दोनों न्यू शेप की है, लोगों के पास एक भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। नहीं, हमारे पास टोटल अब तीन हो गई है। एक हमारे पास ओल्ड शेप भी है। वो कौन सा मॉडल है? वो 2009 है, पेट्रोल। एक और भी आई थी ब्लैक कलर की, वो सोल्ड हो गई भैया। अरे यार वही तो मैं बोल रहा हूँ, अब इनका पेज जाके चेक करना भाई, फोटो डाली थी, गाड़ी सोल्ड भी हो गई। ये बात करेंगे इस गाड़ी की भैया, 23 है, 22 में सारी लेक्सस आई थी, 23 में रजिस्टर्ड हुई थी सारी लेक्सस जो न्यू शेप की थी। ये 26,000 चली हुई है, हिमाचल नंबर है, सिंगल ऑनर है, और प्राइस की बात करें 2 करोड़ 45 लाख में गए थे हम आपको गाड़ी दे रहे हैं। मतलब बता दूँ इसके बाद भी ऑन टेबल नेगोशिएबल कर देंगे। अब ये पता क्या होता है, काफ़ी बंदे ना कमेंट सेक्शन में बोलते हैं भाई इतने की तो गाड़ी आ रही है, अरे मेरे भाई गाड़ी पहले लेने जाओ, गाड़ी नहीं मिलेगी मेरे भाई, अगले 2 साल तक गाड़ी नहीं मिलेगी। अगर लेने देखो जो लेने वाला होगा ना भैया, तो अगर जो इस प्रोफाइल का बंदा होगा ना, वो 2 साल वेट नहीं करेगा भैया। कोई भी भैया, कोई भी आज मेरे जेब में पैसे हैं, मेरे को आज लेनी चाहिए, मैं 2 साल वेट क्यों करूँगा? वही तो। और सबसे अच्छी बात ना क्या है कि आज 2.65 की मिलती है गाड़ी। हाँ जी, ठीक है, आज 2.65 की मिलती है, मैंने बुकिंग करा दी। हाँ, मेरे को 2 साल बाद कंपनी है, वो कंपनी रन कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। वो 2.65 क्या 2.65 दो साल में फिक्स रहेंगे? पैसे नहीं रहेंगे ना, 70-80 हो जाएगा भैया। वो 2.70-80 नहीं रहेगा, वो भैया 3 CR पहुंच जाएगा, 3 खोखा ही पहुंच जाएंगे। हाँ जी, तो यही देख लो गाइस कि आप देख लो, अगर आप लेने की सोच रहे हो तो पहले आके गाड़ी देखो। गाड़ी मतलब ये मतलब जो शोरूम से निकल के गाड़ी आती है ना, और ये देख लो मतलब इतना आपको फर्क नहीं मिलेगा। मतलब ये आप ब्रांड न्यू गाड़ी अपने साथ घर लेके जा रहे हो, और भैया जब भी 26,000 चल चुके हैं, जब भी लग नहीं रही। और जो दूसरी वाली खड़ी है शोरूम, वो 11,000 चली है। दोनों को साथ खड़ी कर दो, मतलब आपको कह नहीं सकता कि भाई ये 26,000 चली और 11,000 चली, मतलब दोनों ही ब्रांड न्यू गाड़ी है। और तो बस गाड़ी ऐसे प्रिक्योर करता है जो नेक्स्ट टू शोरूम कंडीशन होती है। अब ये हम आपको देंगे 2 करोड़ 45 लाख की, जो कि ऑन टेबल नेगोशिएबल है, ठीक है। अब आपको दिखाएंगे नेक्स्ट कार, पहले मैंने आपको दिखाई थी डीजल, अभी आपकी आगे पेट्रोल भी है। विलार में कितने ऑप्शन है अभी अपने पास? विलार में भी अभी दो ही ऑप्शन है हमारे पास, एक डीजल वाला और एक पेट्रोल वाला, ठीक है। डिटेल भी है, ये 2020 है, ये इसमें एयरमेटिक सस्पेंशन है, उससे जस्ट एक पुराना शेप है, ठीक है। ये 2020 है और सिंगल ऑनर कार है, 19,000 चली हुई। प्राइस की बात करें तो 78-75 जो अगेन ये मुझे लास्ट टाइम बताई थी भाई ने कि ये कलर तो पहली बार इसमें अवेलेबल ही नहीं है, और ये बहुत रेयर था जो आया था इस गाड़ी में। यस, सो गाइस आज के व्लॉग की लास्ट गाड़ी मर्सिडीज बेंज की S350D। यस भैया, अगेन भैया नो डाउट इसका कलर बहुत अमेजिंग है यार। ये आपको ब्लू कलर बहुत पसंद आ रहा है, आपको विलार का ब्लू बहुत पसंद आ रहा है? नहीं, ऑनेस्टली एक बार तो ब्लू कलर की भी एक बात ही अलग है। आप ये देखो, अभी एक अपने पास बहुत ही ज्यादा एडिशन होकर गई यार, तो वो भी है दूसरे शोरूम में, दूसरे शोरूम पे, ठीक है। और गैस एक और थी ज्यादा एडिशन, उसमें गैस देख लो वो भी था ब्लू कलर, ये कलर देख लो ब्लू, ये भी आपको दिखाई थी विलार दिखाई थी, रेंजर स्पोर्ट, बट नो डाउट भैया ब्लू कलर शानदार है यार, देख के मजा आ गया भैया। और चलो बुक ही कर देते हैं इसको भी थोड़ी देर में, फिर डिटेल की बात करेंगे। मे 2022 है ये और 9,000 चली है। प्राइस की बात करें 1 करोड़ 49 लाख रुपीस। एंड यही सेम गाड़ी आज के टाइम पे 2024 में नहीं ले रहा, कितने की भैया ऑलमोस्ट आ रही है? 212 के आसपास भैया, 2 करोड़ 12 लाख की गाड़ी है। और हम कितने की दे रहे हैं? 149 की। मतलब लगा लो मोटा मोटा हमने आपको 63 लाख का हमने आपको डिस्काउंट दिया इस गाड़ी पर। और गाड़ी देख लो ब्रांड न्यू कंडीशन में। गैस मैं आपको एक बात ये बोलूँ कि अगर आप अपने लिए आप पैसा खर्चने को तैयार हो, आपको कुछ नेक्स्ट लेवल गाड़ियाँ चाहिए, तो मैं एक बोलूँगा ऑटो बेल्ट इंपीरियो पे आप कलेक्शन देखना आके, मतलब नो डाउट टॉप लेवल की गाड़ियाँ मिलती हैं। एंड बता दूँ जितनी भी गाड़ियाँ होती है, एंड भैया अभी तक हमने जितनी भी गाड़ी है उनमें से काफी गाड़ी तो अभी अंडर वारंटी है, ये भी अंडर वारंटी है, अंडर वारंटी भी है, लेक्सस भी अंडर वारंटी है, एलसी भी अंडर वारंटी होगी अभी, ठीक है ना, पोर्श का एंड कूपे भी अंडर वारंटी है। मतलब काफी ऐसी गाड़ी है जो आपकी अंडर वारंटी गाड़ी है, तो मतलब आप
साथ में गाड़ी तो ले रहा है, आपको साथ में वारंटी वाली गाड़ी भी मिल रही है। और सबसे बढ़िया बात, आप किलोमीटर नोट करोगे, बहुत ज़्यादा सारी लेस ड्रिवन गाड़ी है। और पैन इंडिया फाइनेंस एंड पैन इंडिया डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी आपके सामने नंबर मेंशन है, यहाँ पे भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो भैया जाने से पहले एक बार फिर से आप इंस्टाग्राम पेज नंबर या नगर की वेबसाइट का लिंक दे दो, जहाँ पे जाके सर आपको फॉलो कर सकते हैं। भैया ऑटोबेस का सेंट्रलाइज नंबर है 8885886 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम है, सब असिस्ट करेंगे, आप क्वेरीज करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और वेबसाइट है हमारी www.autobest.co.in, सारा स्टॉक अपडेट होता है। और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करोगे तो वीडियोस एंड फोटोज सब कुछ मिलेगा आप उसमें। ठीक है, तो चले गए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में हम आपके लिए कुछ शानदार कलेक्शन लेके आएंगे, या तो कुछ सिंगल गाड़ी पे ब्लॉग लेके आएंगे, या लेके आएंगे शोरूम की कलेक्शन। ठीक है ना, चले गए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए न्यू कार कलेक्शन लेके। तब तक दोस्तों, बाय बाय।